स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है आज की मॉर्निंग न्यूज का, जिसमें हम जानेंगे आज की बड़ी और ताजा खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान बुधवार की शाम 5 बजे शांतिपूर्ण सम्पन्न हो गया। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक करीब 67.59% वोटिंग हुई है। इसके साथ 528 उम्मीदवारों की किस्मत भी ईवीएम में बंद हो गई है। अब किसके सिर जीत का सहरा बंधेगा, इसका फैसला आज होगा। सबसे ज्यादा वोटिंग जामताड़ा में 76.16%, जबकि बोकारो में सबसे कम 60.97% मतदान हुआ है। बेंगलुरु में आज AIMPLB का वार्षिक आम सत्र आयोजित किया जाएगा। बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह 23 नवंबर को वार्षिक आम सत्र आयोजित करेगा, जिसमें वक्फ को बचाने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इस अवसर पर ईदगाह कुद्दूस साहब में शरीयत और औकाफ की सुरक्षा पर केंद्रित एक जनसभा आयोजित की जाएगी। राजस्थान में विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के नतीजे आज आएंगे। मतगणना 7 केंद्रों पर सुबह 8 बजे से शुरू होगी, जिसमें त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की पालना होगी। 7 मतगणना केंद्रों पर कुल 98 टेबल्स पर 141 राउंड में ईवीएम के मतों की गणना होगी। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने VC के जरिए मतगणना की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि मतगणना के लिए तैयारियां पूरी हो गई। न्यूनतम वेतन 28,000 रुपए मासिक, 4 लेबर कोड निरस्त हो, पुरानी पेंशन नीति बहाल हो, श्रम कानून सख्ती से लागू हो, सहित कई मुद्दों को लेकर आज AIUTUC हरियाणा का 4था राज्य सम्मेलन कुम्हार धर्मशाला सोनीपत में होगा। मंचवा विधानसभा उपचुनाव में मतदान के बाद आज होने वाले मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस बीच बथुआ स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में होने वाली मतगणना को देखते हुए रूट डायवर्जन किया गया है। इसके तहत बथुआ तिराहा, सेप्टन मिल, गांधी घाट पुलिया, पथरिया ओवरब्रिज, रॉबर्ट्सगंज तिराहा, बरौंधा कचार तिराहा, नटवा तिराहा आदि प्रमुख तिराहू चौराहों से रूट डायवर्जन किया जाएगा। नोएडा में खराब एयर क्वालिटी की वजह से लोगों को सांस लेने तक में दिक्कत हो रही है। ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन के दिशा निर्देश के मुताबिक 12वीं तक के सभी तरह के स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया गया है, जिसके चलते नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ में आज सभी स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। बिहार के मधेपुरा जिला मुख्यालय स्थित संयुक्त श्रम भवन में जिला नियोजनालय की ओर से आज 1 दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। जॉब कैंप में मधेपुरा का एक प्राइवेट स्कूल और एक मॉल नियोजक के रूप में भाग ले रहा है। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने आज विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए होने वाली मतगणना को देखते हुए मतगणना क्षेत्र नगरपालिका श्योपुर की परिसीमा में 23 नवंबर शनिवार को संपूर्ण दिवस के लिए शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हुए पूरी तरह से ड्राई डे की घोषणा कर दी है। दक्षिण पूर्व रेलवे के आंध्रा मंडल के अंतर्गत विकास कार्य को लेकर ब्लॉक लिया जाएगा। इसके तहत ट्रेन हटिया टाटानगर हटिया एक्सप्रेस आज रद्द रहेगी। इसी तरह दक्षिण मध्य रेलवे में चल रहे विकास कार्यों के कारण ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। मौसम विभाग ने अपने लेटेस्ट अपडेट में बताया है कि आज बिहार में न्यूनतम पारा लुढ़ककर 13 डिग्री के करीब पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में आधी रात से सुबह तक कुहासा गिरने की भी संभावना जताई है। पछुआ हवा चलने के कारण लोगों को ठंड का अनुभव हो रहा है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वक्त हो चला है आज के इतिहास का, तो आइए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। आज ही के दिन सन 1517 में सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोधी दिल्ली का शासक बना था। आज ही के दिन सन 1830 में अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की जंग छेड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई की सेना की मुख्य सदस्य झलकारी बाई का जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 1906 में अंतर्राष्ट्रीय रेडियो दूरसंचार कोड अपनाया गया और आपात स्थिति के लिए SOS सेवा शुरू की गई। आज ही के दिन सन 1968 में मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु करने के प्रस्ताव को लोकसभा ने मंजूरी दी। आज ही के दिन सन 1997 में भारत की डायना हेडन विश्व सुंदरी बनी थी। फिलहाल के लिए मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।